आपने कभी सुना है कि राजस्थान में जयपुर में स्थित नाहरगढ़ किला राजस्थान के टॉप 500 प्लेसों में से एक है। ये किला स्थानीय लोगों द्वारा देखी गई सुपरनेचुरल पावर और भूतों की वारदातों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलो इस जगह के बारे में जानते हैं। उससे पहले वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। जयपुर में स्थित यह किला बहुत ही डरावना किला है। इस किले में एंट्री करते ही हमें भयानक मंजर दिखता है। यूं तो विज्ञान भूत प्रेत को नहीं मानता, लेकिन इस किले में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में शोधकर्ताओं ने माना है कि अदृश्य ताकतों की वजह से यह सब कुछ होता है। नाहरगढ़ के किले में अचानक हवाएं चलने लगती हैं, दरवाजों में लगे कांच टूटकर बिखर जाते हैं, पल भर में गर्मी और चंद मिनटों में ठंड महसूस होने लगती है। इस किले में जाने वाले कई लोग को ऐसा एहसास हो चुका है। 2012 में इस किले में यंग बेलॉग ब्रिगेड की टीम पहुंची, वह टोटल 13 लोग थे। रात के करीब 10 बज रहे थे। टीम के लोगों ने बताया कि महल में काफी अंधेरा था। बेगोल ब्रिगेड्स की चेयरपर्सन इप्सिता रॉय चक्रवर्ती भी इस टीम में शामिल थी। इप्सिता रॉय ने टीम से कहा, मैं सभी को एक बार काउंट कर लेती हूँ। उसने काउंट किया तो वो 14 लोग थे। इप्सिता समझ गई थी कि कोई और भी साथ में है। फिर वह आगे बढ़ रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वह भानगढ़ जाते समय वह आगे बढ़ रहे थे, तब हाथ को ठंडा होते महसूस किया। वह आगे बढ़े तो उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इप्सिता रॉय की पूरी टीम डर गई। उन्हें ये एहसास तो हो गया था कि इस किले में भूत हैं, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कई जगह पर कैमरे लगाना शुरू कर दिया। फिर हर जगह पर कैमरे लग गए थे, तब वो बाहर आए। रात बीतने के बाद उन्होंने कैमरे की फुटेज चेक की। फुटेज में ज्यादातर तो उन्हें नॉर्मल लगा, लेकिन किसी वीडियो में थोड़े टाइम के लिए कई जगह चांद के आकार के पीले, सफेद और हरे ऑर्ब दिखे। नाहरगढ़ की रिसर्च में उन्हें पता चला कि मृत्यु के बाद केवल जीवन ही नहीं, आत्माएं भी होती हैं। इस किले की हिस्ट्री देखने जाएं तो इस किले की जानकारी पौराणिक कथाओं से मिलती है। इसमें बताया गया है कि नाहर्षीय भूमिया की आत्मा ने इस जगह को प्रेतावधित बनाया हुआ है। जब महाराजा सवाई मानसिंह ने इस किले को बनाने की कोशिश की तो वहाँ पर हुई अशांति की वजह से नाहरसिंह की आत्मा नाराज हो गई। कहा जाता है कि किले के निर्माण के समय अजीब घटनाएं सामने आ रही थी। हर दूसरे दिन मजदूर को अपना काम बिगड़ा हुआ मिलता था। इसके बाद पता करने पर जानकारी मिली कि यह जगह राठौड़ राजा नाहरसिंह भूमिया की थी। लोगों का मानना था कि उनकी आत्मा की वजह से निर्माण में इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले यहाँ अज्ञात शव भी लटका पाया गया था, जिसके साथ एक संदेश भी लिखा हुआ था कि यह फिल्म पद्मावती की रिलीज के खिलाफ है। कुछ भी करके किले का काम खत्म किया। सवाई मान सिंह ने इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ रखा था, लेकिन फिर राठौड़ राजा नाहरसिंह भूमिया की आत्मा का किस्सा आने के बाद इसका नाम बदल कर नाहरगढ़ कर दिया। उस समय तो महल में कुछ भी घटना नहीं हुई, लेकिन कुछ समय के बाद विद्रोह छिड़ गया। कहते हैं कि ब्रिटिश मेजर चार्ल्स बर्टन की यह भारतीय सैनिक द्वारा 1857 के विद्रोह में हत्या कर दी गई थी और उन्हीं की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये आत्माएं आज भी लोगों से मदद की गुहार लगा रही होती है। यह आत्मा यहाँ आने वाले लोगों को थप्पड़ भी मारती है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने भी एक ऐसा नोटिस जारी किया है जिसमें कहा है कि शाम के 5 बजे के बाद किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कई यात्रियों ने यहाँ रात के दौरान किसी के दिखने, शोर, संगीत, चीख पुकार जैसी आवाजें सुनी हैं। किला इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ घुसते ही आपको डरावनी फीलिंग आने लगती है। दोस्तों, नाहरगढ़ किला एक ऐसा स्थान है जो दिल को छू जाता है। यहाँ की भूतिया कहानी लोगों को यहाँ आने को प्रेरित करती है। इस वजह से इस स्थान को भारतीय इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।